वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें। खबरें जुड़ी हुई हैं यूपी बुलंदशहर से। सोशल मीडिया पे सुबह से एक वीडियो वायरल, जहां इस वीडियो को देखा जा सकता है एक शख्स का नाम नासिर, जूतों की दुकान, और इस पर इल्जाम कि ये ठाकुरों का नाम बदनाम। वजह कि भाई वो जूते जो वो बेच रहा है उसकी सोल पर लिखा है ठाकुर। इस वजह से उसके ऊपर सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल होती है और पुलिस को गिरफ्तार भी कर लेती है। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ कंगना रनावत के ऊपर एक और केस फाइल किया गया है, किस मामले पर, और साथ ही अडानियों ने फॉर्च्यून के ऐड को ही हटा लिया, जो कि तेल है फॉर्च्यून, उसके ऐड को हटा लिया क्योंकि उस ऐड में सौरभ गांगुली थे। पूरा मामला समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यूपी बुलंदशहर का मामला। लड़के का नाम नासिर दुकानदारी करने बैठा था दोपहर के वक्त में, लोग इकट्ठा होते हैं और उसके ऊपर कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। इल्जाम उस पर इस बात का कि वो जो जूते बेच रहा था उसकी सोल पर ठाकुर लिखा हुआ था और मुसलमानों की साजिश है कि वो ठाकुरों को बदनाम कर रहे हैं जूतों पर नाम लिख करके, और इसके बिना पर पुलिस उसे उठा के ले जाती है, उसके ऊपर धाराएं लगाती है, सेक्शंस लगाती है। इस वजह से सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल, एक झलक इस वीडियो में डाले। क्या खाना करवा रहे हो? खाऊंगा मैं जब कल डाने कर वहां के लड़का है तो ये हटा रहे, कभी हटा देने है, हटा देने चाहिए, जो हटा देने चाहिए है तो हटा देने, कभी हटा देने है, क्यों ना हटाए देना। फिर तू जाती बात बना ले वीडियो, तो ये चल मेरे साथ जान डालो मत। अरे तू के अपने दुकानदारी खराब कर रहा है, ज्यादा से इसके रखे हैं जूते, तू के अपने दुकानदारी खराब कर रहा है। फिर बना रहे हम, कोई हुआ थोड़ा ही है। जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा, देख करके कोई भी इंसान बोल सकता है जो 50-60 जोड़ियां जूतों की बेच रहा हो वो किसी भी फैक्ट्री का मालिक नहीं हो सकता, या उसके इतने बुरे दिन नहीं आए कि फैक्ट्री से उठ करके दुकान लगाए गए फुटपाथ पे बेचने के लिए। तो जाहिर सी बात है किसी बड़ी कंपनी की तरफ से उसको ये माल मिला होगा बेचने के लिए। सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है क्योंकि ये शख्स इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, तो वायरल हो जाता है। वायरल ये होता है कि क्या ये ठाकुर फुटवेयर जो ये ठाकुरों से जो खरीद के लाए, क्या ये ठाकुर फुटवेयर किसी मुसलमान की कंपनी है, क्या वाकई में नासिर ने इतने बड़े ऑफिस को छोड़ करके फुटपाथ पे आकर के डेला लगा लिया है। तो वायरल होती है और पता चलता है आगरे की एक कंपनी है ठाकुर फुटवेयर, और जो मालिक है इस ठाकुर फुटवेयर के उनका नाम है नरेंद्र त्रिलोकनी। जी हाँ, सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है क्योंकि ये वीडियो सुबह से वायरल थी। इल्जाम उस शख्स पे इस बात का कि वो बदनाम कर रहे हैं जबकि इस दुकान का, इस कंपनी का, इस ठाकुर फुटवेयर कंपनी का मालिक का नाम ही नरेंद्र त्रिलोकनी। ये वायरल हुआ है सुबह से, लेकिन ये शख्स जो है नासिर है अभी भी पुलिस की हिरासत में है और पुलिस अपनी तरीके से पूरी कार्रवाई करने की कोशिश करी। सोशल मीडिया पे ये जोरों शोरों से इस वक्त वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे कंगना रनावत की भी खबर तेजी से वायरल होती है, जहां उनके ऊपर डिफेमेशन के सूट फाइल कर दिए गए हैं। वजह कि उन्होंने आज से एक सवा महीना पहले शाहीन बाग की दादी और फार्मर प्रोटेस्ट में जो दादी थी उन दोनों को आपस में मिला करके 100-100 में मिलने वाली, भाड़े पे मिलने वाली, बिकने वाली, ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया था। इस पर उनके ऊपर कार्रवाई ऐसी पहली बार नहीं, इससे पहले भी बहुत कार्रवाई हो चुकी है, मानो इनको आदत सी पड़ चुकी हो। इस बार फिर से सोशल मीडिया पे कंगना रनावत इसी मामले से ट्रेंड करती हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पे अडानी ग्रुप्स की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है, और ये वजह सौरव गांगुली के आज से ठीक 2 दिन पहले उनको हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से वो भी हॉस्पिटल में है। वो असल एक ऐड में आए थे जो ऐड फॉर्च्यून का था, और फॉर्च्यून के ऐड को लेके लोग ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि लोग जब टेलीविजन पे किसी ऐड को देखते हैं तो वजह यही होती है कि उस ऐड में किसी प्रोडक्ट को देख के खरीदना चाहेंगे। उसमें बड़े बड़े बोल बोल दिए जाते हैं कि दिल की बीमारी से बचे, तेल खाएं वाला। यह वायरल होता है क्योंकि सौरभ गांगुली को हार्ट अटैक आया और यह एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे फॉर्च्यून के इस एड का, तो लोग ये मांग शुरू कर देते हैं कि क्या ब्रांड एम्बेसडर जो है फॉर्च्यून के तेल के, उन्हीं को हार्ट अटैक आ रहा है, हमारा क्या हाल होगा। तो सौरभ गांगुली के उस एड को ही अडानी हटा देती है। तो सोशल मीडिया पे इन सारी खबरों को लेकर काफी जोरों शोरों से चर्चा है। आपकी अपनी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।